के साथ। मैं चाहता हूँ सलीम शिवालयू का एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। सलीम शिवालयू कविता पढ़ के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। स्वागत भैया, ये सब कविता नहीं थी, बस चूंकि आज यौम आजादी उसको पढ़ना चाहिए। हाजी हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं। क्या बात है, क्या बात है। विधान भाई इसको सुनिएगा, बहुत हाहा वो सुना होगा। कविता हाजिर कर रहा हूं, सुने इसलिए के चंद लोग हैं जो बाटे रखे हुए हैं, हैं लेकिन उससे हट करके कविता सुने भैया। शिखर भाई हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं। हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं। हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदनी समझते हैं। वतन की एकता को राष्ट्र का वंदन समझते हैं। वतन की एकता को राष्ट्र का वंदन समझते हैं। और एक शेर कि फकत अपने ही भारत में सभी धर्मों का संगम है। बहुत बड़ी दुनिया है लेकिन भारत अनोखा। कि फकत अपने ही भारत में सभी धर्मों का संगम है। कोई यूं ही नहीं हम सब, कोई यूं ही नहीं हम सब इसे पावन समझते हैं। कोई यूं ही नहीं हम सब इसे पावन समझते। एकता हाजिर कर रहा हूं कि ये हिंदू सिख ईसाई मुसलमान और जो भी हैं, ये हिंदू सिख ईसाई मुसलमान और जो भी हैं, हर एक मजहब को भारत माँ का भूषण समझते हैं। हर एक मजहब को भारत माँ का भूषण समझते हैं। और एक शेर इसका हाजिर करना चाहता हूँ के इसी गुलशन की खुशबू से मुअत्तर है ये सारा जग। क्या बात है, क्या बात है। इसी गुलशन की खुशबू से मुअत्तर है ये सारा जग। इसे हम ज्ञान और विज्ञान का उपवन समझते हैं। इसे हम ज्ञान और विज्ञान का उपवन समझते हैं। वो जिसको देख कर दुनिया संवरती और सजती है। क्या बात है, क्या बात है। वो जिसको देख कर दुनिया संवरती और सजती है, उसी भारत को हम बेदा गसा दर्पण समझते हैं। उसी भारत को हम बेदा गसा दर्पण। और एक शेर इसका कि जमाना क्यों ना अपने हिंद में आए जियारत को। जियारत बमाने दर्शन। जमाना क्यों ना अपने हिंद में आए जियारत को।
जमी का स्वर्ग भारत को, जमी का स्वर्ग भारत को हर एक जन जन समझते हैं। जमी का स्वर्ग भारत को हर एक जन जन। और इसका आखिर शेर, और ये खास करके इस शेर पर पूरे सदन से मैं तवज्जो चाहूंगा, सुने इसको और अच्छा लगेगा तो साथ दे दीजिएगा। कि बताए पाक कब छोड़ेगा आखिर तू दरिंदापन। मैं ये शेर में एक मैसेज देना चाहता हूं, सुने जब पत्रकार बंधु बैठे हैं। बताए पाक कब छोड़ेगा आखिर तू दरिंदापन, तेरे कारण मेरे भाई, तेरे कारण मेरे भाई मुझे दुश्मनी समझते हैं। तेरे कारण मेरे भाई मुझे दुश्मनी समझते हैं। और आखिर मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं। कि ये भारत एक मंदिर है सलीम हम पूजते हैं यूं, ये भारत एक मंदिर है सलीम हम पूजते हैं यूं, ये घर काबा समझते हैं वो वृंदावन समझते हैं, ये घर काबा समझते हैं वो वृंदा। और जाते जाते अंतिम चार पंक्ति पढ़ के विदा लेना चाहता हूं, सुने। कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, पंक्ति मजबूत होगा तो तालियों की गड़गड़ाहट से विदा कर दीजिएगा। कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरूं मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे, मरूं मैं जब भी।